मोटापा, पेट बाहर, कमर अंदर, घुटने बैठ गए, वजन बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डाइटिशियन, कंपनियों की दवाइयां, भूखे रह रह के भी देख लिया, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कम होता ही नहीं। क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ बातें हमें पता है नहीं है, बहुत कम बातें हैं। काफी बातें तो सभी जानते ही हैं, फिर भी हम अमल नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे पानी से मोटापा कैसे कम करें, सिर्फ पानी, सिर्फ वाटर, उसका कैसे सदुपयोग करें, क्या क्या चीजें मिला के उसमें पिए जिससे कि हमारा पेट धीरे धीरे अंदर जाने लग जाए, कमर ठीक हो जाए, खड़े ठीक होने लग जाए और घुटनों में भी जान आ जाए, हड्डी जोड़ मजबूत हो जाए और हमारा जीवन चक्र अच्छे से चला पाए, व्यवसाय बढ़िया कर पाए। तो इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। पानी और मोटापा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जितना आप पिएंगे उतना अच्छा है, आपकी बॉडी की सफाई होगी, क्लिंजिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, गुर्दों की सफाई, पथरी नहीं बनेगी। गर्मियों में 4-5 लीटर, क्योंकि वजन तो 90-100 किलो तो सभी के हो ही गए हैं, दिल्ली वालों के तो खास तौर से 90, बच्चे आते हैं 15-15 साल के, सेंचुरी लगा दी उन्होंने, 106-108। अगर वजन थोड़ा कम है तो थोड़ा कम पी सकते हैं, 2-3 लीटर, सर्दियों में गर्मियों में 3-4 लीटर, किसी भी रूप में पिए, जूसेस लें, फ्रूट जूसेस लें, फ्रूट्स लेना आपको बेसिकली सुबह, और गुड गुड करके पिए, चाय की तरह पिए, उसका हर चीज का लॉजिक है, क्योंकि जो लार लगी हुई है मुंह में बनती रहती 24 घंटे, इसके अंदर सारे एंजाइम्स, सारे विटामिन, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, 18 के 18 घटक पदार्थ जो मिट्टी में पाए जाते हैं, सलाइवा में भी होते हैं, वो मिक्स होके जाएंगे अगर घुट घुट कर पिएंगे तो। उससे आपका पेट नम रहेगा तो आपका सारी बीमारियां, मोटापा पेट की बीमारी से ही होती है, एसिड से होती है। तो आप घुट घुट करके पानी पिएंगे, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखें, जितना भी पीते हैं 1-2 गिलास बढ़ा दें, घुट घुट करके पिए, नंबर 2। नंबर 3, पानी में अगर आप सुबह खाली पेट आंवला जूस डाल के पीते हैं 20 ml, अच्छा नहीं लगता, स्टार्ट विद ए लो क्वांटिटी, लो अमाउंट, 5 ml, 10 ml इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर, 1.5 ग्लास प्लेन पानी पी लिया आपने, गुनगुना पानी, जिसको उषा पान भी बोलते हैं, जापान में, चाइना में उसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, उषा पान, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए बिना कुरला करे, रात भर का बासी थूक वो तो अमृत है, हम लोग उठते उसको थूक देते हैं और कुल्ला करके थूक देते हैं, ब्रश करते हैं, फिर चाय पियेंगे, वेरी बैड हैबिट। शुरुआत तो अच्छी करें, उठते ही रात को ब्रश करके सोएंगे तो मुंह अच्छा रहेगा, तो लार अच्छी बनेगी, तो बदबू नहीं आएगी। तो गुनगुना पानी में आपने आंवला जूस डाल लिया, कभी एलोवेरा जूस का यूज कर लिया, एलोवेरा जूस जैसे फॉरएवर कंपनी का भी अच्छा आता है, एक ब्रीमियम कंपनी का आप पीते हैं, आंवला जूस है एबीजी कंपनी का, अच्छा हमें लगा, बाकी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। इसके अलावा जीरा पानी, रात को पानी में जीरा भिगो के रख दिया लोटे में, गुनगुने पानी में, सुबह उसको उबाले, 2 गिलास को इतना उबाले कि वो 1 गिलास रह जाए। जीरे में कैल्शियम और आयरन भी काफी पाया जाता है, तो जीरा पानी भी पी सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन वो पी लें, 2-3 दिन वो पी लें, तो थोड़ा चेंज भी करते रहे, लगातार 10 दिन एक जैसा पानी पी सकते हैं, 10 दिन दूसरा पी सकते हैं, कौन सी चीज आपको क्लिक कर जाए, आपकी बॉडी के लिए क्या चीज है, वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने से पता लगे आपको, हाँ जी मैंने जीरा पानी तो मेरे को बहुत माफी कर रहा, मेरा धीरे धीरे वजन घटने लग गया, तो जीरा पानी थोड़ा सा ज्यादा पी सकते हैं आप। धनिया पानी, सूखा धनिया होता है ना, उसको आप हाथ से 2 टुकड़े कर लें, 2 गिलास पानी, गुनगुना पानी लोटे में भिगो दिया रात को, उसमें 2 चम्मच जीरा धनिया डाल दिया, सुबह उसको बॉयल किया, वो इतना बॉयल करो कि वो 1.5 गिलास रह जाए, उसको चाय की तरह पिए, छान लें, और अगर आप धनिया चबा भी सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका पानी वो चाय समझ के पिए, ये सोचे कि मैं चाय पी रहा हूं, जैसे बैड टी पीते हो आप, बीएडी बैड और बीएडी बैड टी, तो उसके बदले में अगर आप उठते गुनगुना पानी 1.5 गिलास प्लेन पानी पिया और थोड़ा धनिया पानी पी लिया 1 कप, तो ये मान लो मैंने चाय पी ली, उसके 1 घंटे बाद आप नॉर्मल चाय भी पी सकते हैं, दूध वाली चाय पत्ती वाली जैसे आप पीते हैं,
तो आपने अगर धनिया पानी, एक तो पेशेंट हमारे पास आया, उसने कह रहा जी डॉक्टर साहब मेरा 15 किलो मैंने वजन किया कम कर लिया जी। मैंने कहा भी कैसे, क्योंकि हम अपने पेशेंट से भी काफी कुछ सीखते रहते हैं, कुछ से सीखते हैं, कुछ अटेंडेंट सिखा जाते हैं, कुछ उनको हम सिखा देते हैं, वो मैसेज नॉलेज है ना उसको पास ऑन करते रहते हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं तो कुछ किताबें पढ़ते रहते हैं, कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिससे हमें रिजल्ट मिलता है वही चीज हम आपको शेयर करते हैं आगे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एंड हेल्थ के जरिए। तो हमने सीखा आंवला जूस, एलोवेरा जूस, नंबर 3 जीरा पानी, नंबर 4 धनिया पानी, ये ट्राई करें, कोई ना कोई पानी इनमें से आपको बहुत माफिक आने वाला है और वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा और आपका शरीर हल्का, हड्डियां मजबूत बन जाएगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे और खुद अच्छा लगेगा और लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको तारीफ करेंगे, खुद भी अच्छा लगा औरों को भी अच्छा लगेगा और आपको तारीफ भी मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे और आपकी हड्डी जोड़, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इतनी बीमारियां लेके घूम रहे हैं, इतनी गोलियां खा रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगी, खर्चा भी कम हो जाएगा। कोरोना काल में खर्चा, जेब खर्चा भी हमें कम करना है ना, महंगाई भी बढ़ी रही है, खर्चे कम करने ही है, कमाई भी कम हो रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, जो भी आपके घर परिवार में, जानकार में जिनका वजन ज्यादा है, ओवरवेट है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनको ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।